YTBS की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, YT भारत पर सबसे मोस्ट अवेटिंग सीरीज जो पैकेजेस की है, जो ड्रीम डेस्टिनेशन की है, वो है लेह लद्दाख। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे थे कि लेह लद्दाख की सीरीज लेकर के आइए। तो आज YT भारत पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेह लद्दाख की सीरीज, जिसमें हम पैंगोंग लेक के बारे में भी आपको बताएंगे। और अगर आप इस पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्रिएट माई बुकिंग कंपनी के थ्रू इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं Q&A राउंड लेकर के आया हूं, और उस Q&A राउंड की सबसे बड़ी खासियत है कि क्वेश्चन मेरे होंगे लेकिन जवाब होंगे कंपनी फाउंडर ऑफ क्रिएट माई बुकिंग गौरव कुमार जी के, जिनके फैन हमारे YT भारत चैनल पर बहुत सारे लोग हैं, जिनकी सर्विसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर वन है। कई साल से तो मैं खुद उनके थ्रू ट्रैवल करता हूं, और अभी कुछ दिनों में शिमला भी मैं उनके थ्रू ही ट्रैवल करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसको देखने के बाद लेह लद्दाख के बारे में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और आप भी आराम से होकर के आ सकते हैं लेह लद्दाख, जो हम सभी का ड्रीम डेस्टिनेशन हमेशा हमारी लाइफ में होता है। एक एक करके मैं सवाल नोट करके लाया हूं अपनी नोटबुक में। गौरव कुमार जी को आज हम इन्वाइटेड करते हैं YT भारत पर। नमस्कार गौरव जी, YT भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का Q&A राउंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि खुद गौरव जी जो दो बार लेह लद्दाख होकर के आए हैं, वो हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब जो मैं पहले से ही नोट करके लाया हूँ उसको देने वाले हैं। और आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव Q&A राउंड को। सबसे पहला मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ गौरव जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को जानकारी। My name is Gaurav Kumar, I am the founder of Create My Booking, and I'm really thankful to Mr. Naveen Dubey, the founder of YT Bharat, who invited me on his channel to, you know, give an idea about our company targets, our company view and our company packages. उसके लिए मैं नवीन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे बोलना चाहूंगा कि YT भारत को फॉलो करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आने वाले समय भी मिलती रहे। सभी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ट्रैवल क्वेश्चन जो भी आपके रहे, उसका एक सोल्यूशन मिलता जाए। और हमने अभी तक जितने भी पैकेजेस हमारे YT भारत के थ्रू जितने भी सब्सक्राइबर ने पैकेजेस हमसे बुक किए हैं, उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी अच्छा उनका फीडबैक हमारे लिए आया है। आपने काफी क्लिप्स भी उनकी देखी होंगी, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके भी कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर में, तो हमें एक बार मौका जरूर दें पैकेज बुक करने का, एंड आई एम श्योर कि यू विल गेट द बेस्ट सर्विस इन द मार्केट विद द बेस्ट पॉसिबल रेट्स। थैंक यू, धन्यवाद गौरव जी। अगला सवाल है आपसे, क्रिएट माई बुकिंग जो आपकी ट्रैवल कंपनी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमेशा डरे रहते हैं। जैसा उनके अदर ट्रैवल कंपनी से बहुत सारे उनके इश्यूज रहते हैं, कि कई सारा YT भारत पर भी कमेंट आए कि उनका पैसा लेकर के ट्रैवल कंपनी भाग गई है। ऐसे कमेंट्स लगातार मेरे चैनल पर आते हैं कि कैसे वो क्रिएट माई बुकिंग पर विश्वास करें। थोड़ा सा आप उनका ये डाउट क्लियर कर दीजिए, थोड़ा जानकारी दीजिए क्रिएट माई बुकिंग के बारे में। क्रिएट माई बुकिंग एक कंपनी है जहाँ से आप अपने ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, जैसे कि आपको फ्लाइट्स बुक करना है, होटल बुक करना है, कोई पैकेजेस बुक करना है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रैवल से रिलेटेड जरूरी चाहिए होती है, आपको क्रिएट माई बुकिंग से मिल जाएगी। 24/7 हमारा आपका सिस्टम रहता है, कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल करेंगे आपको तुरंत उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा विद बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट रेट्स के साथ। गौरव जी, अगला सवाल है मेरे पास, कैसे क्रिएट माई बुकिंग अदर ट्रैवल कंपनी से डिफरेंट है? क्रिएट माई बुकिंग कंपनी से आपको जो भी पैकेजेस या जो भी सर्विसेज आप बुक करेंगे उसमें सबसे बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी, प्लस ऑन टूर हमारा आपके साथ पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। हम आपको खुद अपनी तरफ से कॉल करके पूछते हैं कि सर आपके ट्रिप में कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी इसको देन एंड देयर ऑन कॉल ही हम सॉर्ट आउट करते हैं। यही हमारा मेन मोटो है कि जो हम आपको पैकेज दे रहे हैं उसमें बेस्ट सर्विसेज आपको मिले विद बेस्ट रेट इन द मार्केट, जो कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। कोई कंपनी इतना आपको ऑन टूर नहीं सपोर्ट देगी जितना हम लोग देंगे आपको। उसके लिए आप हमें कभी भी किसी भी समय आप कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू गौरव जी। अगला सवाल है आपके लिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस बताइए, जब आप लेह लद्दाख गए थे तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? लेह लद्दाख मैं दो बार जा चुका हूँ, 2014 2016 में मैंने लेह लद्दाख विजिट किया था। वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन दैट आई एवर हैड इन यू नो इन माय लाइफ। उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि लद्दाख एक ऐसी डेस्टिनेशन जो कि आपकी हायर ऑल्टीट्यूड पे है, बिल्कुल टॉप ऑफ दी यू नो हिमालयस के अंदर आप विजिट करने जाएंगे, जिसमें लेह आप कवर करते हैं, नुब्रा वैली आप कवर करते हैं, पेंगोंग लेक आप कवर करते हैं, लेह के अंदर आपका शांति स्तूपा है, थिक्से मोनेस्ट्री है, होल ऑफ फेम जो आप कवर करते हैं, प्लस साम वैली का एक टूर होता है जिसमें आपका गुरु पत्थर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है वो हम कवर कराते हैं, इसके अंदर हम कवर करके आते हैं। दो रिवर है आपकी, जंस्कार एंड इंडस रिवर,
जो कि एक साथ आके मिलती है, बड़ा अच्छा व्यू वहां पे होता है। उसके बाद आप नुब्रा जाते हैं, जब नुब्रा आप जाते हैं तो खरदुंगला पास से होते हुए जाते हैं, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड है, ठीक है। नुब्रा के अंदर आपको डबल हम कैमल मिलते हैं, जो कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको एक्सेप्ट लद्दाख कैंप में, वहां स्टे रहता है। उसके बाद आप पेंगोंग जाते हैं, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। पेंगोंग लेक का 1/3 पार्ट इंडिया के अंदर है, प्लस उसका 2/3 पार्ट चाइना के अंदर, जो एक ब्यूटीफुल व्यू है, बड़ा क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर है वहां पे। वहाँ पे आपकी जो मूवी है 3 Idiots उसकी शूटिंग भी वहीं पे हुई थी। वो एक अच्छी डेस्टिनेशन ले लद्दाख, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, कोई मतलब हसल एंड बसल नहीं रहेगी। ट्रिप बहुत 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 स्वीट ट्रिप जाती है वहाँ पे, एंड आई रिकमेंड कि यू शुड गो टू लद्दाख वंस इन अ लाइफ टाइम। थैंक यू। और क्या क्या वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट हो सकते हैं, मेन प्लेसेस या पॉइंट हो सकते हैं अट्रैक्शन का, जिनको हमें विजिट करना होगा या हमें करने को मिलेगा, जो भी आपकी कंपनी पैकेज प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। लेह लद्दाख का जो बेस्ट टाइम विजिट करने का वो समर टाइम होता है, अप्रैल एंड से लेके आप सितंबर तक ट्रेवल कर सकते हैं। बट जो प्रेफरेबल टाइम होता है वो आपको होता है मई और जून, क्योंकि वो टाइम होता है जिस टाइम पूरे भारत में जो नॉर्थ एरिया होता है आपका वहां पे गर्मी होती है, एंड लद्दाख आपकी ऐसी डेस्टिनेशन है जो बिल्कुल ठंडा एरिया है आपका। आप सारे पॉइंट्स आराम से वहां पे कवर कर पाएंगे, सारे पॉइंट्स मई और जून के अंदर ओपन होते हैं, बारिश की कोई चांस नहीं होते हैं वहां पे। जुलाई और अगस्त में मे बी आपको मॉनसून टाइम होता है, तो मे बी आप सारे पॉइंट कवर ना कर पाओ, लैंड स्लाइड का भी इशू आ जाता है। और लद्दाख के अंदर जो देखने के पॉइंट्स है बहुत सारे पॉइंट्स है, आई विल एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स टू यू दैट वी हैव कवर्ड इन आवर आइटनरी ऑल्सो। सबसे पहले जब आप लद्दाख पहुंचते हैं तो लद्दाख के अंदर डे वन पे हम लोग रेस्ट पे कराते हैं इवनिंग तक, और इवनिंग में शाम को आपको शांति स्तूपा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के अंदर जो पॉइंट्स आपके कवर करने के लिए टूर आपका होता है साम वैली टूर। साम वैली टूर में जो आपको कवर कराते हैं, सबसे पहले कवर कराते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो आपका काफी बहुत पुराना एक वहां पे बना हुआ है पत्थर साहिब, काफी अच्छी उसकी एक पुरानी एक हिस्ट्री भी है, जब आप लोग जाएंगे वहां पढ़ भी सकते हैं उस हिस्ट्री के बारे में। आपको वहां पे जंस्कार और इंडस रिवर आपको कवर कराते हैं, मैग्नेटिक हिल आपको कवर कराते हैं जहाँ पे गाड़ियां अपने आप मूव करती है। उसके बाद फिर पेंगोंग जाते हैं, जब पेंगोंग जाते हैं तो वाया खरदुंगला पास होकर जाते हैं, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड इंडिया के अंदर है आपका। खरदुंगला पास होते हुए जाएंगे नुब्रा में, नुब्रा में आप स्टे करेंगे कैंप के अंदर, प्लस वहां पे आपके हम डबल आपका कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है नुब्रा को, जहां पे आपको डबल डम आपके डबल हम कैमल्स भी आपको मिलेंगे वहां पे। उसके बाद आप पेंगोंग जाते हैं, पेंगोंग जब आप जाते हो आप चांगला पास होते हुए जाते हो, चांगला पास इज ऑल्सो हाईएस्ट 3rd highest मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड के अंदर आता है, काफी अच्छा पॉइंट है। जब आप पेंगोंग पहुंचते हैं तो पेंगोंग के अंदर आपका इंडिया चाइना बॉर्डर पे लेक बनी हुई है, काफी अच्छी लेक है, जिसका 1/3 पार्ट इंडिया के अंदर है और 2/3 पार्ट उसका चाइना के अंदर है। वो ब्यूटीफुल वहां पे व्यू आपको मिलते हैं, और ये वही प्लेसेस है जहां पे आपकी 3 Idiots की जो फाइनल शूट हुआ था वो यहीं पे हुआ था आपका। उसके अलावा आपके काफी मोनेस्ट्री टूर हमारे होते हैं, थिक्से मोनेस्ट्री है, साय पैलेस है, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर कराते हैं। तो लद्दाख इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन इन समर टाइम एंड एवरीवन शुड विजिट इट। थैंक यू जी। अगला सवाल आ रहा है, एक व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितने डेज का पैकेज हमें बुक करवाना चाहिए लेह और लद्दाख के लिए। राइट नाउ क्रिएट माय बुकिंग हैज लॉन्च्ड 3 टाइप ऑफ पैकेजेस, व्हेन वी हैव लॉन्च्ड विद 4 night, 5 night and 6 night, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। हमने 3 पैकेजेस लॉन्च किए हैं, 4 रात, 5 रात और 6 रात के, बट जो बेस्ट आइटनरी वहाँ पे घूमने के लिए वो 6 night, 7 day की, क्योंकि इस आइटनरी में लद्दाख के जितने भी बेस्ट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और बड़े रिलैक्स वे में आपके कवर होंगे। क्योंकि देखो 4 night और 5 nights की आइटनरी पॉइंट्स आप मैक्सिमम कवर कर लेंगे, बट बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि डेली आपको 1 way टू दूसरे वे पे जाने के लिए अराउंड 5 hours से 6 hours की ड्राइव करनी रहेगी, जो कि नॉट गुड फॉर 4 night ड्यूरेशन। ऊपर से आप ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पे रहेंगे, तो वी विल प्रेफर कि आप 6 night, 7 day का प्लान प्रेफर करें, जिसमें आपका बड़े रिलैक्स तरीके से, क्योंकि डे वन जिस दिन आप पहुंचते हैं उस दिन आप लोग सीधा साइट सीइंग स्टार्ट नहीं कर सकते, हायर ऑल्टीट्यूड है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, तो यू नीड रेस्ट, बॉडी नीड रेस्ट, उसके बाद आपके साइट सीइंग फिर स्टार्ट होते हैं। तो वी विल प्रेफर कि आप 6 night, 7 day का प्लान करें, जिसमें ले नुब्रा पेंगोंग सभी जगह पे आपका स्टे अवेलेबल रहेगा, प्लस आपके सारे पॉइंट्स बड़े आराम से इसमें कवर हो जाएंगे। हमारा जो पैकेज रहता है उस पैकेज में हम लोग बेसिकली आपके ब्रेकफास्ट और डिनर, सारा ट्रांसपोर्टेशन, प्लस इनर लाइन परमिट जो आपके लगते हैं कुछ जगह पे, परमिट सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आपका जो एडिशनल खर्चा रहता है वो आपके फ्लाइट टिकट्स, आपका लंच, प्लस कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, कोई एंट्री टिकट वहां पे लगता है किसी प्लेस का, तो वो आपको डायरेक्टली पे करना रहेगा। थैंक यू। तो गौरव जी, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इतने सारे जब हम आपके ट्रैवल कंपनी के थ्रू जो भी YT भारत के व्यूअर्स सब्सक्राइबर पैकेज लेकर के जा रहे हैं, उनके फेस पे इतनी स्माइल, इतना ग्लो कैसे रहता है, क्या रीजन है, कैसे आप उनकी फेसेस पर स्माइल लेकर के आते हैं, वो USP जाननी है। सो हमारा जो बुकिंग करने का तरीका है थोड़ा सा अलग है बाकी कंपनी के तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बुकिंग हमारी कंफर्म होती है, बुकिंग कंफर्म करने से पहले भी बताया था, हम कभी कस्टमर्स को फोर्स नहीं करते हमारे साथ बुकिंग कराने के लिए, कभी फोर्स नहीं करते उनसे पेमेंट चार्ज करने के लिए। हमारा जो तरीका, अपना बेस्ट पैकेज हम बना के भेजते हैं, जिसमें कस्टमर चेक करें,
देखें, अगर उन्हें हमारा पैकेज बेस्ट लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, दे विल कम बैक टू अस, हमारे पास वापस आए, तब हम उनका पैकेज प्लान करेंगे। बुकिंग करने के बाद जो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है सारी बुकिंग जल्दी से जल्दी उनकी कंफर्म करना, जो भी उनको कमिट किया है वो सारी सर्विसेज उनकी जल्दी से जल्दी बुक करना। उसके बुकिंग होने के बाद कस्टमर्स को सारी बुकिंग रिकन्फर्म करना कि सर आपका ये प्लान ऐसे ऐसे कन्फर्म हुआ है, आपकी बुकिंग और आइटनरी ये फाइनल आइटनरी है आपकी, वो कस्टमर्स को ओके कराना। उसके बाद कस्टमर ट्रिप पे जाता है तो जाने से एक दिन पहले उनकी सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर्स को चाहिए होती है वो शेयर की जाती है विद द ड्राइवर डिटेल, जो उनका वहाँ पे पिकअप करेगा जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस भी डेस्टिनेशन पे वो जा रहे हैं। उसके बाद जब कस्टमर्स पहुंचते हैं तो हमारी तरफ से भी ऑन टूर उनको 3 से 4 कॉल्स जाती हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर उनको बीच में आ रही है तो उसके बारे में हम भी जानकारी लेते हैं, इनकेस अगर कोई इशू इमर्ज होता है तो उसको देन एंड देयर हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये तरीका है हमारा कस्टमर से काम करने का, और कस्टमर्स को भी हमने बोला हुआ किसी भी टाइम किसी भी समय उनको लगता है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन कॉल अस टू टेक एन एडवाइस सो दैट वी कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली। यस, धन्यवाद गौरव जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को अपने सारे सवालों के जवाब जो अभी YT भारत की इस लेह लद्दाख पैकेज सीरीज स्टार्ट होने से पहले चाहिए थे वो मिल गए होंगे। आगे हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे ये वीडियोस आने वाले हैं लेह के पैकेज के बारे में, उसके बाद हम लद्दाख के पैकेज आपको बताएंगे, लेह में आपको पेंगोंग भी बताने वाले हैं साथ में, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले आपके असाइनमेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप और आपकी टीम इतना ज़बरदस्त काम कर रही है जो YT भारत पर अलग अलग क्लिप्स के माध्यम से भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। और व्यूअर्स से मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि YT भारत के इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम आपके लेकर के आते हैं देखने के लिए, हमेशा YT भारत को बने रहें और चैनल बिना सब्सक्राइब ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।